रामपुर में पहली बार हिंदू विधायक तैयार, आजम की हार चर्चा का बना आधार, रामपुर से राम का कनेक्शन कैसे बना रामपुर। राम हिंदुओं के प्रमुख देवता के रूप में पूजे जाते हैं। हाल के कुछ दशकों से भगवान राम के राजनीतिक इस्तेमाल की परंपरा चली है। इन्हीं भगवान के नाम से जिस शहर का नाम रामपुर है, वहां अब तक कोई हिंदू विधायक नहीं बन पाया था। मुस्लिम बहुल आबादी थी तो यहां सबसे पहले चुनाव जीतने वाली कांग्रेस ने उम्मीदवार भी मुस्लिम फजलुल हक को बनाया। साल 1952 में वो यहां से विधायक बने। इसके बाद यहां की राजनीति में नवाब परिवार की भी एंट्री हुई और लंबे समय तक उनका भी दबदबा रहा। रामपुर में पहली बार हिंदू कौम से आकाश सक्सेना के विधायक बनने के बाद अब भगवान राम की चर्चा हो रही है। मुस्लिम बहुल वाले रामपुर का नाम रामपुर कैसे हुआ, रामपुर के रामपुर बनने की कहानी पर चर्चा होने लगी। रामपुर की विधानसभा सीट पर पहली बार भगवा लहराने का श्रेय आकाश सक्सेना को चला गया। बीजेपी के आकाश सक्सेना ने इस जीत के साथ न सिर्फ पहली बार यूपी की विधानसभा में अपना मार्ग प्रशस्त किया, बल्कि भगवान राम के नाम वाले रामपुर में पहले हिंदू विधायक के तौर पर अपना नाम इतिहास में दर्ज करा लिया। साल 1952 से इस सीट पर हो रहे चुनाव में पहली बार किसी हिंदू प्रत्याशी को जीत मिली। रामपुर में आजम खान के प्रत्याशी आसिम राजा को हराने वाले आकाश सक्सेना वही शख्स हैं जिन्होंने आजम खान के खिलाफ न सिर्फ कानूनी लड़ाई लड़ी बल्कि उन्हें इलाके की सत्ता से बेदखल करने में भी अहम भूमिका निभाई। रामपुर के नवाब परिवार से गहरी प्रतिद्वंदिता होने के बावजूद आजम खान को रामपुर में हराना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन सा माना जाता था। हालांकि अब ये भी पराजय सीधे तौर पर आजम खान की नहीं है। जब भी आजम खान यहां प्रत्याशी नहीं रहे तब तब चुनाव में विपक्षी उम्मीदवारों का पक्ष ज्यादा मजबूत हुआ। देश में सर्वाधिक मुस्लिम बहुल जिला रामपुर ही है जहां 52% आबादी मुस्लिम है और बाकी आबादी हिंदुओं की अगड़ी और पिछड़ी जातियों में बटी हुई है। यहां हिंदू समुदाय के लोग अल्पसंख्यकों में आते हैं। रामपुर को पूरे यूपी में सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाला माना जाता है जो यहां के राजनीतिक मायनों को दिखाता है। आकाश सक्सेना रामपुर सीट से विजेता हैं। वो पहले हिंदू हैं जो इस सीट से विधायक बने। मुस्लिम बहुल आबादी वाले रामपुर में मुसलमानों को साधने के लिए बीजेपी ने काफी कवायद की थी। पार्टी की पसमांदा नीति की सबसे बड़ी प्रयोगशाला के तौर पर भी रामपुर को माना गया। इससे पहले लोकसभा के लिए हुए उपचुनाव में इसी साल बीजेपी ने आजम के प्रत्याशी को हराया था और दावा किया था कि रामपुर में आजम खान का दबदबा खत्म हो गया है। उनका दबदबा खत्म होते ही अब इस बात की चर्चा हो रही है कि आखिर रामपुर का नाम भगवान राम के नाम पर कैसे पड़ा। रामपुर के नाम में भगवान राम का नाम आता है। रामायण की कोई कहानी इस जगह से नहीं जुड़ती। राम से रामपुर के सिर्फ दो ही कनेक्शन हैं। एक ये कि उसके नाम में राम आता है, दूसरा ये कि दुनिया की अकेली रामायण की किताब रामपुर की रजा लाइब्रेरी में है जिसकी शुरुआत पवित्र कुरान की पहली आयत से होती है। इस किताब को 300 साल पहले सुमेर चंद्र ने लिखा था जो वाल्मीकि रामायण का फारसी में अनुवाद है। इस फारसी रामायण की शुरुआत बिल्मिल्ला और रहमान और रहीम से होती है। तो फिर सवाल है, फिर क्यों इसे रामपुर नाम दिया गया। रामपुर रियासत के राजनीतिक इतिहास के बारे में प्रमाणिक जानकारी कम ही है। कहा जाता है कि नवाब फैजुल्ला खान रामपुर रियासत का पहला शासक था, लेकिन इससे पहले यहां कठेरिया वंश के राजा राम सिंह की रियासत थी। साल 1626 के आसपास पूजा करते हुए धोखे से राजा राम सिंह की हत्या कर दी गई थी। इसके बाद ये विरासत तत्कालीन मुगल बादशाह शाहजहां के सेनापति रुस्तम खां के हाथ में आ गई। रुस्तम खां ने इसे जीते हुए नगर का नाम अपने नाम पर रुस्तम नगर रख दिया था, लेकिन जब वो शाहजहां के दरबार में पेश हुआ तो खुशामद में उसने जीती हुई रियासत को उनके बेटे मुराद के नाम पर मुरादाबाद बता दिया। अनुमान है कि बाद में ये मुरादाबाद रियासत युद्ध आदि में छिन्न भिन्न हो गई और उसका एक हिस्सा तो मुरादाबाद के रूप में बरकरार रहा, लेकिन जिस इलाके में राजा राम सिंह का शासन रहा था उसे रामपुर के नाम से जाना जाने लगा। बाद में जब अफगान लड़ाकों का इस रियासत पर कब्जा हुआ तो उन्होंने इसका नाम बदलने की कोशिश की, लेकिन रामपुर अपनी लोकप्रियता में इतना मजबूत हो गया था कि इसमें बदलाव संभव नहीं हो सका। तब से ये रामपुर के नाम से ही जाना जाता है। बहरहाल 1952 से लेकर 2022 के विधानसभा चुनाव तक मुस्लिम बहुल इलाके रामपुर से अब तक सिर्फ मुस्लिम समुदाय के लोग ही विधायक बने, जिनमें आजम खान भी हैं। साल 1977 में आपातकाल विरोधी आंदोलन में जेल गए आजम खान एक मामूली हैसियत के प्रत्याशी थे जिनके सामने मंजूर अली खान जैसी कद्दावर शख्सियत थी।
वो चुनाव हार गए, लेकिन साल 1980 में जनता पार्टी से चुनाव लड़ते हुए आसम ने रामपुर में पहली बार जीत हासिल की। इस जीत से इलाके में उनके दबदबे की कहानी शुरू होती है। इसके बाद पार्टियां बदली, लेकिन रामपुर का विधायक नहीं बदला। आजम ने साल 1985 में लोक दल, 1989 में जनता दल, 1991 में जनता पार्टी और 1993 में समाजवादी पार्टी के टिकट पर ताल ठोकी और लगातार विधायक बनते रहे। साल 1996 में इस सीट पर कांग्रेस ने आजम की जीत का सिलसिला तोड़ा। अफरोज अली खान चुनाव जीते और विधायक बने। 2002 में आजम ने वापसी की और सपा के टिकट पर साल 2017 तक लगातार विधायक बने रहे। 2019 में लोकसभा में जाने के बाद उन्होंने अपनी पत्नी तंजीन फातिमा को रामपुर से विधानसभा का चुनाव लड़वाया और वो भी चुनाव जीती। साल 2022 में आजम फिर अपनी सीट पर वापस आ गए, लेकिन MP MLA कोर्ट ने उन्हें भड़काऊ भाषण देने के एक मामले में दोषी करार दे दिया, जिसके बाद उनकी विधायकी चली गई। उपचुनाव हुए और रामपुर में आजम युग को एक बड़ा धक्का लगा। BJP ने पहली बार इस सीट पर जीत दर्ज की। पहली बार कोई हिंदू आकाश सक्सेना रामपुर से विधायक बना।